नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने फिर एक बार भाजपा पर निशाना साधा है और भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने उनकी प्रशंसा की उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और भाजपा ने उन्हें दंडित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जैसे बीजेपी नेताओं को उनकी प्रशंसा करने के कारण नुकसान उठाना पड़ा, इसको लेकर बयान दिया है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों से बातचीत की और कहा कि जिन्होंने मेरी तारीफ की उन्हें बीजेपी ने दंडित किया। मेरी वजह से विधायक सूर्यकांत व्यास, वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जब सूरसागर से सूर्यकांत व्यास को टिकट रद्द कर दिया गया तो मैंने कहा जिन्होंने मेरी तारीफ की और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया उन्हें दंडित क्यों किया गया। अब सूर्यकांत को भी सज़ा मिल गई। वसुंधरा राजे की गलती क्या थी? दो बार मेरी तारीफ की, इसके लिए उन्हें दंडित किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और पूछा कि क्या उनके पास उम्मीदवार बनाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर सीएम ने कहा कि पार्टी में अंदरूनी कलह है। प्रदेश में पहली बार बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी, पुतला फूंकना देखा जा रहा है। गुजरात मॉडल को लेकर राजस्थान में जो प्रयास किया गया था वो विफल हो गया है। पैसों के गबन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है और किसी पार्टी ने ऐसा माहौल नहीं देखा है। आपको बता दूं, अशोक गहलोत ने ये निशाना इसीलिए साधा है कि क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सूची जब से जारी हुई है उसके बाद से ही लगातार कार्यकर्ताओं में विरोधाभास देखा जा रहा है। कई नेताओं के जिनके टिकट काट दिए गए हैं उनके समर्थक लगातार हंगामा मचा रहे हैं, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने एक तरफ भाजपा पर निशाना साधा है और दूसरा राजस्थान में वसुंधरा राजे का सबसे आखिरी सूची में नाम जारी किए जाने को लेकर भी अशोक गहलोत ने यहाँ पर भाजपा पर निशाना साधा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।